गुरुवार को महेवा मंडी द्वारा की गई वितरण प्रणाली में सब्जियों की डिमांड में कमी आई है। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि सब्जियों का रेट सुबह सुबह निर्धारित हो जाता है, जो कि अगले 24 घंटे तक प्रभावी रहता है। पासदारी ठेले गली गली में घूमकर डोर टू डोर सब्जी पहुंचा रहे हैं। अगर इसके बावजूद कहीं से कॉल आती है तो वहां तत्काल सब्जी पहुंचा दी जाती है और शिकायत आती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है और खाद्य राशन सामग्री का मूल व्यापारियों के साथ बैठक करके 3 मई तक के लिए निर्धारित कर दिया गया है। आगे शासन का जैसा भी आदेश आएगा उसको देखते हुए कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, वितरण प्रणाली अब बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही है और पूरी तरह से वितरण हर मोहल्लों में सब्जियां पहुंच रही हैं। ठेले सुबह नियमित समय से निकल जाते हैं और दिन भर सब्जी बेचते हैं, वो घर घर जाके सब्जी बेचते हैं। इसके अलावा रेट सुबह जो निर्धारित कर दिया था उसी रेट पे सब्जी बेची जा रही है। अगर कहीं से भी कोई शिकायत आती है तत्काल उसका संज्ञान लिया जाता है और जो भी संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट होते हैं उनके थ्रू कार्रवाई कराई जाती है। तो अभी प्रणाली बहुत ही स्विफ्ट चल रही है और आगे भी यही हमारा भरोसा रहेगा कि आगे इस तरह चलती रहे। राशन सामग्री का रेट हम लोगों ने परसों निर्धारित कर दिया था और ये 3 मई तक के लिए प्रभावी है और इसके बाद अगर जैसा ऊपर डायरेक्शन होते हैं, जैसे दिशा निर्देश शासन से मिलेंगे, उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी।